वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा कि नहीं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट डेट 7 यानी कि 7 तारीख को था, जो कि कल था, तो आज 8 तारीख हो गया है। तो सब लोग परेशान हैं कि स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग का तो ऐसा है कि फॉर्म भर गया है लेकिन अभी उन्होंने कॉलेज में भी नहीं जमा किया हार्ड कॉपी, तो सब लोग इस सब चीज़ों को लेकर परेशान है कि सर क्या हम लोग का स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सब लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ और आप लोग को बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसा कि अगर देखा जाए हर साल ऐसा ही होता चला आ रहा है और इस साल भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं अगर यदि बात करूं डेट का, तो डेट्स पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि अभी बहुत सारे कॉलेज में अभी तो काउंसलिंग चल रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि कोई डिप्लोमा या फिर बी फार्मा या फिर डी फार्मा, कोई सभी मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग कोर्सों में कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि काउंसलिंग हो चुकी है, क्लासेस चल रही हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अभी तक काउंसलिंग ही चल रही है। तो इसलिए इसकी वजह से जो डेट है आप लोग ये मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि डेट्स आप लोग के बढ़ेगा ही पड़ेगा। और डेट बढ़ने का रीज़न यही है क्योंकि अगर यदि सबका काउंसलिंग नहीं हुआ या सबका एडमिशन नहीं हुआ, क्लासेस नहीं चली, तो कहाँ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए डेट बढ़ेगा। और डेट आप ये मान सकते हैं कि डेट ये जब भी बढ़ेगा डेट आप लोग का, हर साल ऐसे होता है और 20-20 दिन का अंतराल में डेट बढ़ाते गया है सरकार, और आगे चल कर कि इसका स्कॉलरशिप का डेट दिसंबर तक जाता है। तो ये मान लीजिए कि पूरा नवंबर तक स्कॉलरशिप का डेट जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद अगर यदि नहीं हुआ तब भी काउंसलिंग, तब भी मान चलिए दिसंबर तक ही चला जाएगा क्योंकि नवंबर लास्ट तक काउंसलिंग होती रहती है। आप ये कह सकते हैं कि जो क्लासेस अदर कॉलेजों में जहाँ पर भी काउंसलिंग हो रही है, अदर कोर्सों में जहाँ पर भी जिसका काउंसलिंग हो रहा है, उसका क्लास स्टार्ट होती है दिसंबर से। तो दिसंबर से क्लास स्टार्ट होती है तो दिसंबर तक ये मान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। अभी डेट बढ़ेगा इसलिए डेट को लेकर परेशान मत होइएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है, अगर यदि जिसका पहले भरा जाता है स्कॉलरशिप, आप सबको पता है कि उसका स्कॉलरशिप भी पहले ही शिफ्ट में आता है। जिसका 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 ये 7 तारीख डेट वाले में आप लोगों ने स्कॉलरशिप जिसका इसका भर दिया है, अगर भरा गया होगा उसका स्कॉलरशिप, ये मान लीजिए कि आप लोग का जो पहली शिफ्ट आएगी उसमें आ जाती है। अब एक चीज़ ये है कि आप लोग का जो पहले शिफ्ट वाले होते हैं उनको स्कॉलरशिप अच्छी खासी आ जाती है, मिल जाती है, लेकिन बाद वालों क्या होते हैं कि सरकार कभी कभी ऐसा कर देती है या फिर अगले साल ही ऐसा कुछ हुआ था, सरकार ने देखा कि मेरे पास बजट नहीं है, बजट पास नहीं हो पाया, इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग का स्कॉलरशिप नहीं आया था, रुक गया था। तो ये रीज़न होती है। तो आप लोग ये चीज़ कोशिश किया करेगा जिनके जिनके कॉलेज में काउंसलिंग खत्म हो गई हो, क्लासेस चल रही हो और स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग भर रहे हो, तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान दिया कि जो पहली डेट होती है उस डेट के अंदर अगर यदि आप लोग भर देते हैं तो आप लोग को स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बाद वाले तो ये होता है कि चलो ठीक है हम भर देते हैं, हाँ आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो नहीं, लेकिन अगर ये पहले भरते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग भी ध्यान देंगे और आगे से अगली बार से जब भी होगा जो पहला डेट मिलेगा, अगर यदि आप लोग का काउंसलिंग हो गया होगा, क्लास चल रहा होगा, स्कॉलरशिप भरा जा रहा होगा, तो आप लोग भर के पहले से ही सबमिट कर दीजिएगा ताकि जो पहला डेट है उस डेट के अंदर हो जाए, यानी आपका स्कॉलरशिप क्या फॉरवर्ड हो जाए और वेरीफाई हो जाए। तो वेरीफाई जब हो जाएगा तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप जो पहले शिफ्ट आएगी यानी पहला जो बजट पास होगा उसमें आपका स्कॉलरशिप आने का पूरा चांस होता है। हर साल ऐसा ही चला आ रहा है। और जैसे कि अगर यदि हम बात करें जिन जिन लोगों का, अगर स्कॉलरशिप अभी फॉर्म नहीं भरा गया है या कॉलेज में अभी ही काउंसलिंग चली रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि आप लोग भी निश्चिंत रहिएगा, आप लोग का स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी भरा जाएगा क्योंकि डेट बढ़ेगा तो डेट सबको मिलती है, सभी लोग भरते हैं, तो आप सब भी डेट के साथ साथ अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर डेट बढ़ेगा तो आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट्स बना करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि आप सबको पता है कि अगर यदि स्कॉलरशिप भरना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी करके रखिएगा ताकि ये हो कि अगर डेट मिल रहा है तो उस डेट के अंदर आप लोग का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए। ये ना हो कि फिर हाँ अगला डेट आप लोग को इंतजार करना पड़े या फिर जो दूसरा डेट मिला उस डेट में भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बना, तो स्कॉलरशिप कहाँ भरा पाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, और जैसे ही आप लोग का अगर डेट अगला बढ़ता है, डेट मिलता है, तो आप लोग तुरंत भर करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ठीक है, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू।